अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फातिमा और इस लेक्चर में हम रीनल स्टोन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी जो भी कॉजेज़ हैं और रीनल स्टोन्स की जो टाइप्स होती हैं, कहाँ कहाँ पर ये बन सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है, इस सब को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। रीनल स्टोन्स या किडनी स्टोन्स जो हैं, जिनको हम रीनल कैलकुलाई भी कहते हैं, सॉलिड मैसेज होते हैं, क्रिस्टल्स के बने होते हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब ये हमारी KUB सिस्टम जो होता है, किडनी, यूरिटर और ब्लेडर, इसमें हम ये किडनीज में भी बन सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में, यूरिटर्स में भी जो है ये जाकर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं और फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस का भी इशू आता है सामने। इसके अलावा ये ब्लेडर में भी जा सकते हैं और यूरिथ्रा में भी हमें नज़र आते हैं। किडनी स्टोन्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनकी मोस्ट पेनफुल कंडीशन होती है और इनकी जो कॉजेज होती हैं किडनी स्टोन्स की, ये स्टोन की जो टाइप होती है, किस चीज़ का स्टोन बना हुआ है, उनको भी हम आगे डिस्कस करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। किडनी स्टोन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो कैल्शियम स्टोन्स की है, जो कि कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने होते हैं। अगर ऑक्सीलेट रिच फूड्स जो होती हैं, जैसे कि पोटैटो चिप्स हो गए, पीनट्स हो गए, चॉकलेट्स, बीट्स और स्पेनच, इन चीज़ों को कम करने से कैल्शियम स्टोन्स जो हैं उनका रिस्क बहुत कम हो जाता है। जिन पेशेंट्स में कैल्शियम स्टोन्स सामने आते हैं तो उनको हम जो बताते हैं प्रिकॉशंस, उसमें ये होता है कि आपने ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल छोड़ देनी है, आपने बिल्कुल नहीं खानी। यूरिक एसिड स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स जो है ये मर्दों में बहुत ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। औरतों में इतने नहीं पाए जाते, मर्दों में ज़्यादा कॉमन होते हैं और मर्दों में भी उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनमें गाउट का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम उर्दू में गंठिया कहते हैं या हिंदी में, क्योंकि यहाँ पर इंडिया से भी काफ़ी लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। और गंठिया जो है, अब आई थिंक सो हिंदी में भी गंठिया ही कहते होंगे इसको। और उन पेशेंट्स में जिनमें कीमोथेरेपी होती है, तो उनमें यूरिक एसिड स्टोन्स जो हैं रीनल सिस्टम में हमें नज़र आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप जो है स्ट्रोवाइट स्टोन्स की है। स्ट्रोवाइट स्टोन्स मोस्टली वुमेन में पाए जाते हैं और मोस्टली उनमें होते हैं जिनमें यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हमें नज़र आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये स्टोन्स जो है। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा भी होता है और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, जिससे जो है जब किडनीज में या यूरिटर्स की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फिर हमें यूरिन में इंटरनल लीकोस मिलती हैं, पस नज़र आती है। जब यूरिन टेस्ट करवाए जाते हैं तो उसमें भी यूरिन में पस मिल रही होती है। इनका जो मेन कॉज होता है वो किडनी इन्फेक्शन होता है। जब हम किडनी इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं तो उससे स्ट्रोवाइट स्टोन्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। सिस्टाइन स्टोन्स, सिस्टाइन स्टोन्स जो हैं बहुत रेयर होते हैं और ये मर्दों और औरतों दोनों में पाए जाते हैं, और उन और मर्दों और औरतों में पाए जाते हैं जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसको सिस्टिनूरिया कहते हैं। अब इन स्टोन्स का कॉज क्या है? ये स्टोन्स तब बनते हैं जब बॉडी में एक एसिड होता है जिसको सिस्टाइन कहते हैं, जो कि बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, वो किडनी से लीक करकर यूरिन में आ जाता है और वो वहाँ पे सिस्टाइन स्टोन्स बना देता है। रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि किन पेशेंट में जो है ये स्टोन्स, जितने भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। अगर अमेरिका को देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए, तो वहाँ पर वाइट पीपल में ये स्टोन्स बहुत कॉमन है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक पीपल। इसके अलावा वो लोग जो पानी बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन होती है उनमें, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है स्टोन्स का। जो लोग बहुत मोटे होते हैं, ओबेसिटी, उनमें भी काफ़ी रिस्क होता है। जो लोग डाइट्स लेते हैं, प्रोटीन, सॉल्ट और ग्लूकोज रिच डाइट्स लेते हैं, उनमें इन स्टोन्स का काफ़ी रिस्क होता है। हाइपर पैराथायराइड कंडीशन हो तो उसमें भी स्टोन्स का रिस्क होता है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में भी, और इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ जो है इसमें भी स्टोन्स का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इनक्रीज़ कर देती है और फिर स्टोन्स जो है वो बन जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट हमारे पास स्किन साइन एंड सिम्टम्स के पास आता है। सबसे कॉमन जो साइन सिम्टम होता है वो उसको हम रीनल कॉलिक कहते हैं, कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है राइट और लेफ्ट साइड पर, बैक में जो है वो कहते हैं मेरी पूरी कमर दर्द कर रही है, मुझे राइट फ्लैंक पेन है, या लेफ्ट, वो हाथ लगा के आपको बताएगा कि इस जगह पर मुझे दर्द हो रहा है।
इसके अलावा जो उसके ब्लड में यूरिन हो सकता है, उसका यूरिन का कलर रेड और ब्राउनिश हो सकता है, वॉमिटिंग, नोसिया, फॉल्स स्मेलिंग यूरिन होगा, चिल्स, फीवर और फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेट। बार बार उसको अर्ज होगी यूरिनेशन की। और इसके अलावा अगर पेशेंट से पूछा जाए, कंप्लीट हिस्ट्री ली जाए, तो वो ये भी कंप्लेन करेगा कि मैं जब यूरिन करता हूँ तो वो कम्प्लीटली जो है वो मेरा ब्लेडर खाली नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मैंने सारा पेशाब जो है वो नहीं किया, कुछ रह गया है अंदर, थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है। मोस्टली मर्दों में ये कंप्लेन आती है। अच्छा जी, इसके लिए जो हम टेस्टिंग करते हैं किडनी स्टोन्स को डायग्नोज करने के लिए, इसमें सबसे पहले तो प्रॉपर पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री ली जाती है, इसके अलावा फिज़िकल एग्ज़ाम होता है, और इसके अलावा जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं, और ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन को देखते हैं, क्रिएटिनिन को देखते हैं, जिनको हम रीनल फंक्शनल टेस्ट भी कहते हैं, RFTs होते हैं, उनको देखा जाता है, यूरिनालिसिस भी करते हैं, क्रिस्टल्स, बैक्टीरिया, ब्लड और वाइट सेल्स को चेक करने के लिए। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट में आता है, एब्डोमिनल एक्सरेज होते हैं जिनमें हम रीनल कॉलिक को देखते हैं, IVP करते हैं, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, इनको भी हम जो फर्दर सेपरेटली हर जो है वो टॉपिक को अलग से डिस्कस करेंगे। रिट्रोग्रेड पाइलोग्राम होता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, KUB प्रेफर्ड टेस्ट है, सबसे प्राइमरी जो मोडालिटी है वो अल्ट्रासाउंड ही होता है। MRI स्कैन एब्डोमिनल और किडनीज का कर सकते हैं, और इसके अलावा एब्डोमिनल CT स्कैन भी होता है, जिसमें पेशेंट्स को कंट्रास्ट या जिसे हम डाई कहते हैं वो दिया जाता है, और उसमें सबसे पहले उसकी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट के आपने RFTs करवाने होते हैं, सबसे पहले वो चेक करना होता है कि इसकी किडनीज नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं। अगर नॉर्मली फंक्शन उनका नहीं है तो फिर हम डाई या कंट्रास्ट जो है वो नहीं देते। अच्छा जी, जितने भी रीनल कैलकुलस हैं वो हमें प्लेन रेडियोग्राफ पे सारे नज़र नहीं आते, और ना ही हम सारे रीनल स्टोन्स को अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, उसको राइट और लेफ्ट फ्लैंक पेन हो रही है, और इसके अलावा उसको यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके ब्लड टेस्ट जो है उनमें इशू आ रहा है, वो नॉर्मल नहीं है, तो उसमें जो है अल्ट्रासाउंड नेगेटिव है, प्लेन रेडियोग्राफ जो है वो नेगेटिव है, तो उसमें फिर हम इंट्रावेनस कंट्रास्ट यूरोग्राफी IVU जो होता है वो हम करवाते हैं, और उसमें जो है वो फिर हमें पता चलता है स्टोन्स हैं या नहीं है। कैलकुलस जो है वो मोस्टली रीनल कलेक्टिंग सिस्टम में हमें नज़र आ जाते होते हैं, और जो 2 to 3 mm के स्टोन्स होते हैं वो 5 MHz ट्रांसड्यूसर पे इजीली नज़र आ जाते हैं। कैलकुलस की जो अपेयरेंस होती है, जो अल्ट्रासाउंड पे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि ये हाइपर इकोजेनिक होता है और इसका अकॉस्टिक शेडो होता है, स्टोन है ना तो इसका अकॉस्टिक शेडो आएगा, लेकिन इसको रीनल साइनस के साथ मिसडायग्नोस नहीं करना, वो भी हाइपर इकोजेनिक होते हैं। कैलकुलस को एक तो ट्रांसवर्स स्कैन में देखना है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में देखना है। ये लास्ट लेक्चर्स में भी बात हुई थी कि किडनीज़ अल्ट्रासाउंड करते हुए किडनीज़ को जो है वो लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स दोनों सेक्शंस में लाजमी देखना है। इस तरह जो कैलकुलस की लोकेशन होगी, एक्यूरेट लोकेशन और मेजरमेंट जो है वो हमें मिल सकती है, और बहुत सारी कन्फ्यूजन जिसमें हो जाती है, कैल्सिफिकेशन से हम उसे मिसडायग्नोज कर सकते हैं, रीनल पैरेन्काइमा में जो कैल्सिफिकेशन हो जाती है, तो जब हम दोनों प्लेन्स में देखेंगे तो फिर हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा जो कैलक्स की नेक होती है उससे भी मिसडायग्नोज हो सकता है, वो बिल्कुल जो है वो स्टोन की तरह ही अपेरेंस दे रही होती है। इस इमेज में देखें तो यहाँ पर कैलकुलस है राइट किडनी में, और उसका जो है अकॉस्टिक शेडो भी आ रहा है, हाइपर इकोजेनिक है, और साथ में बिल्कुल रीनल साइनसिस हैं लेकिन उनका कोई शेडो नहीं आ रहा है, वो भी इकोजेनिक, तो इनको जो है वो अच्छी तरह से दोनों प्लेन्स में देखने के बाद ही डायग्नोज करना है। सिर्फ किडनी में कोई एकोजेनिक चीज़ देखी और उसको रीनल स्टोन कहते ना, ठीक नहीं है। नेक्स्ट इमेज है लॉन्गिट्यूडनल स्कैन का, मल्टीपल कैलकुलाई जो है वो राइट किडनी में हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इनको मेंशन भी किया गया है, 3 रीनल कैलकुलाई हैं और इनका जो है वो अकॉस्टिक शेडो भी हमें मिल रहा है। ये ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकते हैं, इसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकती है, और पेशेंट जो है बहुत पेनफुल कंडीशन होती है।
यूरेट्रिक कैलकुलाई जो है उनको अल्ट्रासाउंड पे देखना बहुत मुश्किल होता है, नज़र आ जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डायलेशन हुई हो उसमें यूरेटर में तो फिर जो है वो इजीली नज़र आ जाते हैं। अगर किसी यूरेटर के मिड में स्टक हुए हुए हैं तो वहाँ पर उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर बिल्कुल जहाँ पर यूरेटर किडनी से निकल रही होती है और जहाँ पर ब्लैडर में एंटर हो रही होती है, बिल्कुल जो उसका प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट होता है, वहाँ पे हम स्टोन्स को देख सकते हैं। अगर हमें यूरेट्रिक कैलकुलस नहीं मिल रहा अल्ट्रासाउंड पे, इसका हर किसी मतलब नहीं है कि वहाँ पे कोई कैलकुलस नहीं है। कैलकुलस हो सकता है लेकिन अल्ट्रासाउंड पे हमें हर टाइम आंसर नहीं आता। अच्छा जी, रीनल स्टोन का जो ट्रीटमेंट है, इसमें हम कौन कौन से पेशेंट को मेडिकेशंस देते हैं, और अगर मेडिकेशन से काम नहीं चलता तो हम लिथोट्रिप्सी करते हैं, और इसके अलावा कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मेरी प्लीज़ वीडियोस को वॉच करें और मुझे सजेशंस भी दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।